गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी संजू मैम, एसएससी सब्जेक्ट क्लास 10 सब चैप्टर नंबर 1 हमने पार्ट सारा सिखाना है। इसी के अंदर अपन बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की, और गुप्त साम्राज्य के कल अपन ने कल के वीडियो के अंदर गुप्त काली कला और संस्कृति और लेखन उत्सव के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, और अपन ने देखा था कि जो स्वर्णिम युग कहता है उसके लिए जो चीजें आवश्यक है उसमें और क्या क्या चीजें अपन उसमें देख सकते हैं, जिससे अपन ये कह सकते हैं कि गुप्त काल वास्तव में एक स्वर्णिम काल था। तो आज हम बात करेंगे गुप्त काली समाज यानी स्वर्णिम अगर युग कहते हैं तो उसके समाज एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और समाज से अपन पता लगा सकते हैं किस तरीके से वहां की राज व्यवस्था के अंदर समाज योगदान देता था, नहीं देता था, कैसे समाज का स्ट्रक्चर था आदि। तो बात करेंगे हम गुप्तकालीन समाज की, जो चार वर्ण बंटा हुआ था, वर्ण व्यवस्था। बच्चों कक्षा 9 के अंदर आपने वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ी, और अगर मैं वापस बात करूं तो जो वर्ण है वो चार भागों में बंटा हुआ था। जो पहला अगर अपन देखें तो ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य, और चौथे नंबर पे शूद्र। ये चार वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब मैं इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको वापस जानकारी देना चाहूंगी। ब्राह्मण जो होते थे समाज बहुत ऊंचे स्थान पे होते थे, बहुत सम्मानजनक ये पद होता था, और विद्या लेना, विद्या देना, दान लेना, दान देना, ये सभी कार्य ब्राह्मण करता था। इवन राज दरबार के अंदर भी ब्राह्मण जो है बहुत सम्मान का पद प्राप्त किए हुए था, और राजा किसी के सामने झुकता था और किसी के सामने नहीं झुकता। उसके बाद में अगर अपन बात करें क्षत्रिय, तो क्षत्रिय अगर उच्च कुल का है तब तो राजा बनता था, और वो निम्न कुल का है तो सेनापति के रूप में सेना के लिए कार्य करता था। उसके बाद में वैश्य वर्ण आता था, और वैश्य जो होते थे ये वाणिज्य व्यापार करने वाला वर्ग था, और सर्वाधिक कर यानी टैक्स राजा को अदा करता था। अपन ने चाणक्य की नीति के अंदर राज्य के सात अंग पढ़े थे मौर्य साम्राज्य में, उसमें अपन ने यह भी देखा था कि कोष जो होता है ये राज्य का एक अंग होता है, कोष यानी खजाना। तो वैश्य वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो राजा को इतना कर देता था कि उसके खजाने में बहुत अच्छा धन एकत्रित होता था, तो इनको भी समाज में बड़ा सम्मान का पद प्राप्त। इसके बाद अगर बात करें शूद्र की, तो शूद्र सबसे वर्ण व्यवस्था में निचले स्थान पर आता था, और ये नौकर की तरह कार्य करता था, बहुत नीचे इसको अधिकारों में बहुत ज्यादा कमी थी, पर फिर भी इनको रोजगार मिल जाता था, दो वक्त के भोजन का जुगाड़ हो जाता था, पर समाज में इनका स्थान बहुत नीचे था। तो इस तरीके से ये वर्ण व्यवस्था अपने दोबारा देखी, और गुप्त काल में भी वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, मैंने पहले भी बताया राजा एकमात्र ब्राह्मण ही होते थे जिनके सामने अपना सर झुका देते थे यानी सम्मान देते थे, और वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म होता था, यानी जिस कुल में आप जन्म लेंगे वो आपकी वर्ण व्यवस्था हो जाएगी, वर्ण में आ जाएंगे आप। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे तो आप ब्राह्मण होंगे, आप क्षत्रिय कुल में जन्म लेंगे तो आप क्षत्रिय होंगे, वैश्य में जन्म लेंगे तो वैश्य होंगे, शूद्र होंगे जन्म लेंगे तो शूद्र होंगे। वर्तमान में अपने यहाँ पे कर्म के आधार पर समाज बटा है, यानी आप जो काम करोगे आपको उसके नाम पहचाना जाएगा, पर पहले समाज जन्म के आधार पर माना जाता था, इसलिए वहां पर वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। स्त्रियों की अगर अपन स्थिति देखें तो समाज में बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त था। अगर मैं स्त्रियों के बारे में बात करूं तो वैदिक काल में भी अगर अपन देखें तो वैदिक काल में लोग मुद्रा, अपाला आदि ये नाम आपने 19 में पढ़े थे कि ये विदुष की महिला और इतिहास है। अगर अगर अपन उसके आगे भी देखें तो संघमित्रा, मैंने पिछले उसके अंदर बताया था सातवां के अंदर,
कि ये भी एक विदुषी महिला थी जहाँ पुत्र को नाम दत्त करके शासन करती है। प्रभावती का नाम भी मैंने बताया कि किस तरीके से प्रभावती ने भी जो है शासन व्यवस्था को संभाला था। तो ये वो महिलाएं थी इतिहास के अंदर जो हर क्षेत्र में आगे थी, यहाँ तक राष्ट्र प्राप्त करती थी और ज्ञान विज्ञान में बहुत इन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद बात करूँ महिलाओं के धार्मिक व्यक्तियों के अंदर, अच्छा इसके अलावा एक और खास बात बताना चाहूंगी, प्रजा प्रथा का भी प्रचलन था नहीं था। जैसे वैदिक युग के अंदर प्रजा प्रथा नहीं थी यानी औरतें घूंघट नहीं करती थी, उसी तरीके से गुप्त साम्राज्य के अंदर भी प्रजा प्रथा का चलन नहीं था, यानी महिला स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती थी और अपने कार्यों को कर सकती थी, विद्या अध्ययन कर सकती थी, समाज के लिए कार्य कर सकती थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाओं को एक इज्जत प्राप्त है समाज के अंदर, पर पुरुष पर स्त्री के सामने नजर नहीं उठाते थे और वो सुरक्षित रूप से बिना घूंघट के यहाँ से वहां जा सकती थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि धार्मिक कृत्यों के अंदर पति के साथ में पत्नी का उपस्थिति अनिवार्य है। देखिए बच्चों, हिंदू धर्म के अंदर ये परंपरा रही है कि कोई भी धार्मिक कार्य होता है उसके अंदर यज्ञ करवाया जाता है, यज्ञ या पूजा पाठ जब भी कोई होगा तो उसके साथ में पति के साथ उसकी पत्नी ही बैठती है। ये सीधा सीधा सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आपने रामायण के बारे में थोड़ी जानकारी ली है तो आपने देखा होगा जो राम थे उन्होंने जब यज्ञ किया आश्रम में यज्ञ, तब उनके साथ में उनकी पत्नी जो सीता थी वन में गई थी तो उन्होंने सीता की सोने की मूर्ति बनाकर भी अपने साथ में रखा और यज्ञ पूर्ण किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पत्नी का स्थान कितना प्रमुख होता था। तो कोई भी धार्मिक कार्य तभी पूर्ण माने जाते थे जब उनकी पत्नी उनके साथ होती थी, इसलिए अनिवार्य होता था पत्नी का साथ में रहना। इसके अलावा यहाँ पर प्रजा प्रथा भी नहीं थी, पर इसके बारे में बात कर चुके हैं। और आठ प्रकार से यहाँ पर विवाह का प्रचलन था। विवाह कई तरीके के विवाह माने जाते हैं, उस वक्त आठ प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। कुछ विवाह आज भी अपने यहाँ पर प्रचलन में, और स्वयंवर का भी प्रचलन था। स्वयंवर का मतलब ये होता है कि लड़की जो होती थी वो स्वयं अपने पति का चुनाव करती थी। राजा जो होते थे इस तरीके के आयोजन करते थे जहाँ पर सभी देश के राजाओं को बुलाया जाता था और वो राजा आकर अपनी शक्ति और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता था। राजकुमारी को जो राजा पसंद आता था वो उससे विवाह कर लेती थी। तो इस तरीके से स्त्रियों को अपने विवाह के लिए पति का चुनाव करने का भी अधिकार था, उसी को स्वयंवर कहते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें कि पुत्र के अभाव में, यानी अगर किसी स्त्री के पुत्र नहीं है दंपति के, तो पति की संपत्ति यानी पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर उसकी पत्नी का अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि भाई या अन्य लोग आकर अधिकार कर ले कि नहीं आपके पुत्र नहीं है पुत्री है या आप ये संपत्ति आप नहीं ले सकते, पर गुप्त काल में पूरी तरीके से स्त्रियों को इतना अधिकार था कि पुत्र के अभाव में पति की संपत्ति पत्नी ले ले उसके अधिकार में थे। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि गुप्त कालीन समाज कितना अच्छा उत्कृष्ट स्थान पर था, स्त्रियों को कितना मान सम्मान दिया हुआ था। तो इसी कारण से अपन गुप्त काल को स्वर्णिम काल की श्रेणी में रखते हैं और इस तरीके से गुप्त काल अपना यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों कक्षा 10 के अनुसार आपके सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, बड़ी क्लास में आगे जब आप जाएंगे तो इसका और विस्तृत अध्ययन आप करेंगे। अब अपन इसके बाद में गुप्त समाज के बाद में गुप्त साम्राज्य के बाद में एक नए वंश की बात करेंगे। भारत के अन्य हिस्सों में भी जो अन्य राजा राज कर रहे थे अपन वो अध्ययन कर रहे थे और आज अपन आज नए वंश की वर्धन वंश। वर्धन वंश जो है ये अपने पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना गया था इतिहास में, चाहे आपको वर्धन वंश के तो चाहे पुष्यभूति वंश के तो दोनों नाम से ये प्रचलन था। अच्छा तो दिल्ली में ये शासन काम करते थे छठी शताब्दी के अंदर, यानी छठी सदी
राजधानी है वर्तमान में भारत की दिल्ली, वहीं पर जो है पुष्य भूतिवंश राज करते थे। और पहले तो थानेश्वर उसके पास का एक अलग एरिया था, पर वर्तमान में दिल्ली के पास ही है, दिल्ली में ही सभी लोग माना जाता है, वहां पर इनका शासन था। और अगर मैं इस वंश की बात करूँ तो बच्चों ये वंश ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था। मैं वजह थी कि इसमें योग्य राजा के नाम हुए, और आगे कहानी के साथ में अगर आगे बढ़ूंगी तो आपको पूरी जानकारी दूंगी क्या वजह थी कि ये वंश मात्र तीन राजाओं में समट कर रह गया, क्यों ये आगे नहीं चल पाया। तो प्रभाकर जो थे यहाँ पुष्य भूति वंश के संस्थापक माने गए, और प्रभाकर जो वर्धन थे वो प्रभाकर वर्धन के नाम से इतिहास में रखे गए। इनकी मृत्यु के बाद में इनका पुत्र जो है राज्यवर्धन राजा बनता है, और राज्यवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में हो जाती है। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में इनके जो छोटे भाई होते हैं हर्षवर्धन वो राजा बनते हैं, और हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं होने के कारण इस वंश का यही समापन हो जाता है। यानी मेन कारण जो है पुत्र का अभाव, आगे वंश ना वृद्धि होने के कारण ये वंश यही समाप्त माना गया। तो बात करेंगे अपन हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे, क्योंकि प्रभाकर जो थे ये इन्होंने इस राज्य की वंश की स्थापना की, और आसपास के राज्यों से युद्ध करते करते आगे बढ़े, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र जो राज्यवर्धन को राजा बनाया, ये भी अन्य राजाओं से युद्ध करते करते काफी संकटों का सामना करते हुए इन्होंने भी शासन किया, और फिर इनकी भी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु हो जाने के कारण जो इनके छोटे भाई थे उनको गद्दी में बैठा दिया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का शासन करीब करीब 40 वर्ष तक चला था। तो अपन हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धन का जो कार्यकाल देखते हैं 600 से 47 ईस्वी तक मानते हैं। अच्छा, यह राजा बना तो इसमें की बहुत सकमें कौन थी, मैंने आपको पहले भी बताया राज्यवर्धन जो राजा थे और चारों तरफ से आक्रमण हो रहे थे अन्य राजाओं के, जैसी जातियां भी आकर आक्रमण कर रही थी, आसपास के राजा भी आक्रमण कर रहे थे। तो युद्ध करते करते ये युद्ध में जो है शहीद हो गए थे, और उसके बाद में मारे गए, उसके बाद में उनके जो छोटे भाई उनको नदी में पिटाया। तभी स्थिति चारों तरफ युद्ध वाली थी, संकटपूर्ण स्थिति थी। भाई यहाँ पर राज्यवर्धन जो मर गए, उनकी जो छोटी बहन थी वो भी वहां से चली गई थी अपनी जान बचाने के लिए। किसके साथ आक्रमण के कारण राजा शशांक गौर, बंगाल के राजा थे शशांक गौर, दिल्ली के अंदर इनका शासन था, आपको पता है पास में बंगाल था। बंगाल के राजा शशांक गौर ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, राज्यवर्धन उसमें मारे गए, और अपनी जान बचाकर जो इनकी छोटी बहन की लाश थी वो भी एक अज्ञात स्थान पर, अज्ञात मतलब अनजान स्थान पर जिसके बारे में जानकारी नहीं है, अपनी जान बचाकर वो अज्ञातवास में चली गई, अज्ञात स्थान पर जाकर अपनी जान बचाई। बाद में जब हर्ष राजा बनते हैं हर्षवर्धन, तब अपनी बहन को ढूंढते हैं और उसे वापस लेकर आते हैं, और इस तरीके से लाकर उसका विवाह भी करवाते हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो हर्ष का राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था, तो हर्ष का राज्य बाद में शक्तिशाली राज्य में उत्तर में हिमालय से लेकर, यानी भारत के अंदर से अगर आप देखें हिमालय से लेकर दक्षिण के अंदर नर्मदा नदी तक जो है महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक के अंदर नर्मदा नदी तक, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक यानी बंगाल से लेकर जहाँ अपनी सिंध प्रथम ने यहाँ तक इसका शासन फैला हुआ था। और पूर्व के बंगाल तक से पश्चिम तक यानी
शिव की पूजा करता था और सूर्य का उपासक था, यानी सूर्य की प्रकृति पूजा। वैदिक युग में भी अपन ने देखी पृथ्वी आता सूर्य इनकी जल इनकी पूजा करते थे, उसी प्रकार से ये सूर्य का उपासक था यानी सूर्य की पूजा करता था। उसके बाद में धीरे धीरे दान कर देता था। इतिहास में
सुंदर